Today, I will be discuss about a very important topic. The name is improper integral. तो improper integral जो है वो आपकी type of definite integral है, ठीक है। तो definite integral आपके पास दो तरह के होते हैं, एक proper integral और दूसरा आपके पास होता है improper integral, है ना। तो for example, proper integral जो होता है आपके पास, जहाँ पे एक definite limit दी होती है आपके पास, है ना। दिस इज़ 0 to 1 e raised to power minus t and dt, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपको कोई भी लिमिट जो है फाइनाइट नहीं दी होती है ना, इन्फिनिटी के फॉर्म में आपके पास लिमिट दी होती है, दैट इज़ 0 to infinity e raised to power minus t and dt, ठीक है। जैसे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है, वैसे ही आपके पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो उसमें आपके पास कोई भी लिमिट जो है वो गिवन नहीं दी होती है, आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। क्वेश्चन इज सॉल्व, दिस इज इंटीग्रल 0 to infinity, दिस इज 3 टाइम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास है दिस इज x प्लस 6 एंड dx, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट अंडर रूट x इक्वल टू t, ठीक है। अंडर रूट x को हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, है ना। नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हम स्क्वेयर करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, उसका स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे टी स्क्वेयर, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू दिस इज टी स्क्वेयर, है ना। नाउ इट विल बी डिफरेंशिएट, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज dx, दिस इज 2t एंड dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज होगी, है ना। तो इफ x इक्वल टू 0, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इफ x इक्वल टू इन्फिनिटी, देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका सो जाएगा दिस इज 0 to infinity, दिस इज 3 टाइम एंड 3 डिवाइडेड बाय दिस इज t, और यहाँ पे x की जगह आपके पास हो जाएगा t स्क्वेयर, है ना। तो t स्क्वेयर एंड प्लस 6, और जो dx था उसकी जगह आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम टी और dt, है ना। तो इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे रहेगा दिस इज 3 टाइम, दिस इज 0 to infinity, और यहाँ पे dt ओवर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज t स्क्वेयर प्लस 6, है ना। अब हम जो हैं यहाँ पे जो एक आपके पास एक परफेक्ट फॉर्मूला आएगा, है ना। तो हम जो है इसको पहले उस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो दिस इज 3 टाइम, दिस इज 0 to infinity, ये हो जाएगा आपके पास डी टी ओवर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर एज इट इज़, एंड प्लस ये जो 6 है इसको हम लिखेंगे स्क्वेयर के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज अंडर रूट 6 का स्क्वेयर, ठीक है। अब आपके पास बच्चों आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है, दिस इज 0 to infinity, चाहे डी एक्स ले लेते हैं, डी एक्स ओवर, यहाँ पे आपके पास हो गया ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना। तो ये जो होता है आपके पास दिस इज 1/a टाइम, दिस इज 10 इनवर्स, ये होता है x अपॉन a एंड प्लस c, इसके बराबर होता है ना। दिस इज 1/a टाइम 10 इनवर्स x ओवर a एंड प्लस c, है ना। तो सेम हम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज 3 टाइम, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज 1/a, है ना। ये आपके पास क्या है, a है, ये आपके पास क्या है, x है, है ना, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज यहाँ पे 1/ दिस इज अंडरूट 6, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस इज 10 इनवर्स, x कितना है आपके पास t, एंड डिवाइडेड बाय अंडरूट 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 0 to infinity, ठीक है, अंडरूट 6, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले यहाँ पे हमारे पास देखो 2 टाइम था, है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, दिस इज माय मिस्टेक, ठीक है। 2 इंटू
थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा आपके पास सिक्स, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज़ सिक्स। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिक्स अपॉन अनरूट सिक्स। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज़ टेन इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ इन्फिनिटी एंड डिवाइडेड बाय अनरूट सिक्स। ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पे यहाँ पे दिस इज़ ज़ीरो डिवाइडेड बाय अनरूट सिक्स। क्लियर है, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज़ सिक्स ओवर अनरूट सिक्स, है ना। तो अनरूट सिक्स के साथ मल्टीप्लाई, अनरूट सिक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज़ सिक्स ओवर सिक्स एंड यहाँ पे अनरूट सिक्स, है ना, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे अनरूट सिक्स, है ना। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अनरूट सिक्स। ठीक है, अब आपको पता होगा ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा ज़ीरो। तो बच्चों आपको पता है इन्फिनिटी कब होता है, टेन, टेन इन्फिनिटी होता है आपका कितना, नाइन्टी पे, है ना। ठीक है, तो ये होता है आपके पास नाइन्टी पे, और ज़ीरो कब होता है, टेन ज़ीरो होता है ज़ीरो पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज़ अनरूट सिक्स, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ टेन पाई बाय टू, और यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा टेन ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया अनरूट सिक्स, और यहाँ पे आ गया टेन से टेन कैंसिल तो यहाँ पे पाई बाय टू, और यहाँ से टेन कैंसिल तो यहाँ पे ज़ीरो, है ना। तो ये जो वैल्यू है इस इंटीग्रल की, जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अनरूट सिक्स पाई डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इसका आंसर है ना। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व, इंटीग्रल है आपके पास दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन दिस इज थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस इज पुट, ठीक है, यहाँ पे थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, है ना। हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या जाएगा, दिस इज थ्री टाइम इज इक्वल टू टी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, हमें चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर थ्री। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट है वो भी चेंज होगी। ठीक है, इफ़ अगर x हमारे पास जीरो है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो t की वैल्यू कितनी आएगी, वन। इफ़ x इक्वल टू इन्फिनिटी है तो बच्चों हमारे पास t की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज़ इन्फिनिटी प्लस वन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये सभी वैल्यू जो है हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा वन अपॉन दिस इज़ टी स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी टी की जगह, डी एक्स की जगह दिस इज़ डी टी डिवाइड बाई थ्री, है ना। तो ये हमारे पास हो गया दिस इज़ वन बाई थ्री टाइम दिस इज सॉरी वन टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास डी टी ओवर टी स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ वन बाई थ्री, यहाँ पे टी रेज टू पावर माइनस टू इंटीग्रल में, है ना, दिस इज़ वन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज़ वन बाई थ्री दिस इज टी रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टी रेज टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, और लिमिट आपके पास वन टू इन्फिनिटी, अगेन वन बाई थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन ओवर टी, क्योंकि जो टी रेज टू पावर माइनस वन है जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमारे पास टी बचेगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे, या लिमिट पुट करने से पहले अगर आपने यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिमिट टी की फॉर्म में, तो हम सिर्फ इसको टी की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो दिस इज़ वन बाय थ्री, अपर लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज़ वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन ओवर वन, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास वन बाई थ्री,
यहाँ पे ज़ीरो और ये हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू 1/3। तो बच्चों ये क्या है आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, दिस इज आंसर, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ कंपेरिजन टेस्ट और पी टेस्ट। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।